CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 के छात्रों के लिए कार्यक्रम पशु पक्षी भाग 1। पंछी आए ओ पंछी आए पंछी आए कैसे कैसे पंछी आए दो पैरों के पंछी आए बिना कान के बिन दांतों के चोंच लड़ाते पंछी आए कैसे कैसे पंछी आए ओ पंछी आए कान के बिन दांतों के चोंच लड़ाते पंछी आए कैसे कैसे पंछी आए ओ पंछी आए देखो ये चौपाए आए ये चौपाए आए कैसे कैसे हैं चौपाए दो कानों के चार पैर के दांतों वाले हैं चौपाए अजब अजब चौपाए आए अजब अजब चौपाए आए वो पंछी आए आओ दोस्तों आज तुम्हारा परिचय हम पशु पक्षियों से कराएं। ये पशु पक्षी हमारे पड़ोसी हैं। जब से भगवान ने ये संसार बनाया तब से ये हमारे साथ हैं। तो कौन है ये पक्षी, कौन है ये पशु? हाँ भाई वहां देखो, अरे भाई वहां, अरे वहां सामने के पेड़ की उस डाली पर कौन बैठे हैं वहां? अरे वो रहा कौवा मामा। दोस्तों वो रहा हरा सुग्गा। अरे वो रही मैना। अरे उधर देखो वो रही कोयल। कैसे बोलती है कोयल, बोलो तो, बोलो दोस्तों कोयल कैसे बोलती है? शाबाश। पर दोस्तों इस कोयल का तो अभी मौन चल रहा है, बसंत का समय नहीं है ना, डाली पर फूल नहीं है, पेड़ों पर आम के मंजर नहीं है, ऐसे में ये क्यों बोलेगी, है ना? अरे ये कौन उस कोने से निकलकर भागी, चितकबरी सी, कौन है ये? अरे भाई चूहे जिसके डर से बिलों में दुबक जाते हैं, बोलो बोलो। हाँ ठीक, ये है बिल्ली मौसी, और वो जो गली के नुक्कड़ पर दुम हिलाकर हमारा स्वागत करता है, रात में चोरों को देखते ही जो भौं भौं कर दौड़ पड़ता है, पहचाना तुमने उसे? हाँ वो है कुत्ता। अच्छा और वो कौन है जो हमारे खेतों को जोतता है, हमारी गाड़ियों को खींचता है, वो कौन है दोस्तों? बैल। जानते हो ना इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं पशु। इनका एक नाम चौपाया भी है क्योंकि इनके चार पैर होते हैं ना।
जिनके पंख हों वे पक्षी पखेरू, और जिनके चार पैर हों वे पशु चौपाए। क्यों, कितनी आसान है इनकी पहचान दोस्तों, है ना? चार पैर का चौपाया, दो पैरों का पंछी। चौपाया धरती पर दौड़े, नभ में उड़ता पंछी। अब जरा इनके पैरों की बनावट पर भी ध्यान दें। दोस्तों, गाय के बछड़े के पैरों को ध्यान से कभी देखा है, या घोड़े के पैर को देखा है? नीचे कैसा कड़ा कड़ा होता है वो, इसे कहते हैं खुर। क्या कहते हैं? खुर। पशु बेचारे को तो ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलना होता है, इसीलिए भगवान ने उसे दिए खुर। पर दोस्तों, कुछ पशुओं के खुर नहीं भी होते, उनके पंजे होते हैं, उनमें नाखून होते हैं, जैसे बाघ बिल्ली, है ना? वे इन पंजों से शिकार करते हैं। हाँ, इनके बड़े बड़े नाखून पंजों में अंदर छिपे रहते हैं, और जब शिकार पर झपटना हुआ ये नाखून बाहर आ जाते हैं। लेकिन भाई, पक्षियों के ना खुर होते हैं ना इस तरह के भयानक पंजे, उन्हें तो डालियों पर बैठना है, इसलिए भगवान ने उनके पैर भी उसी तरह के बनाए हैं। इनके पैरों में पतली पतली उंगलियां होती हैं, इन्हीं से ये डालियों को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, एक मजेदार बात जानते हो तुम? पशु तो अक्सर लेटकर या बैठकर सोते हैं, केवल घोड़ा ही ऐसा जानवर है जो खड़े खड़े भी सो लेता है। हाँ, पर पक्षी तो अक्सर खड़े खड़े ही सोते हैं। दोस्तों, खड़े खड़े सोने पर भी डालियों से ये गिरते क्यों नहीं? यही तो है उनके पैरों की करामात। वे अपने पैरों की पतली उंगलियों से डालियों को ऐसे पकड़े रहते हैं कि सोते हुए भी वे गिर नहीं सकते। अच्छा दोस्तों, पशुओं को कभी तुमने घर बनाते देखा है? अरे भाई, गाय को, बैल को, बाघ को, सिंह को घर बनाते देखा है कभी? नहीं। बहुत से जंगली जानवर गुफाओं में रह लेते हैं, पर ये अपना घर कभी नहीं बनाते। कुछ कीड़े मकौड़े जरूर घर बनाते हैं, हाँ, जैसे दीमक, मकड़ी। मनुष्य के बाद पक्षी ही है जो घर बना सकते हैं। गौरैया का घोंसला तो तुम घरों में देखते ही हो, बगुलों के घोंसलों को भी पेड़ पर देखा होगा। बया चिड़िया तो ऐसा घोंसला बनाती है दोस्तों कि उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाओगे। ऐसी बुनाई करती है वो अपने घोंसले की दीवारों की कि देखते ही रह जाओ। कपड़े की मिलें भी ऐसी बुनाई नहीं कर सकती। कितने मजबूत होते हैं उसके धागे। एक पतले से धागे से लटका ये घोंसला आंधी तूफान से जूझता रहता है, फिर भी बाल बाका नहीं होता इसका। दोस्तों, कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो घोंसला नहीं बनाते। इनमें एक है कोयल। कोयल अपना घोंसला तो बनाती नहीं, पर अपने अंडे कौवे के घोंसले में रखाती है। कुकू करती कोयल काली, कुकू करती कोयल काली, इस कोयल की बात निराली। अपने अंडे कभी न फेंती, कौवे के घर में रख देती। कुकू करती कोयल काली,
दोस्तों, कुछ पशुओं के सिर पर सींग होते हैं। अक्सर उन पशुओं के जो शाकाहारी हैं। सींगों से वे दुश्मनों से अपनी रक्षा करते हैं। मांसाहारी पशु तो दांतों और नाखूनों से अपनी रक्षा कर लेते हैं, पर बहुत से शाकाहारी पशुओं के सींग नहीं होते। क्या तुम बता सकते हो वे कौन से पशु हैं? हाथी, घोड़ा, गधा। और हाथी के पास है उसकी सूंड, और बेचारे पक्षी ये कैसे अपनी रक्षा करते हैं बताओ? नहीं मालूम? एक कहावत सुनी है तुमने, चोंचे लड़ाना। पक्षियों के चोंच होती है, वे इसी से लड़ाई झगड़े निपटा लेते हैं, और इसी चोंच से वे दांतों का भी काम लेते हैं। पक्षियों के दांत नहीं होते ना? पशुओं के दांत तो उनके लिए बहुत काम के हैं। बंदर तो अक्सर अपने दांत निकालकर तुम्हारा मजाक बनाता है। भाई, ये तो थी पशु पक्षियों के दांत की बात। क्या तुमने पशु पक्षियों के कान देखे? अब एक और बात पर ध्यान दो। हाथी के कान तुमने देखे हैं? कैसे बड़े बड़े सूप की तरह होते हैं, और खरगोश के कान हमेशा खड़े रहते हैं। सभी पशुओं के कान होते हैं, चाहे वे हाथी के कान की तरह चौड़े हों या खरगोश की तरह लंबे और खड़े। किसी पक्षी के कान देखे हैं तुमने? बताओ। याद करो भाई, गौरैया के कान होते हैं, और कौवे के कान? नहीं ना? तो भाई, पशुओं और पक्षियों में ये एक बड़ा फर्क है। पक्षियों के कान दिखाई नहीं पड़ते, पर पशुओं के कान दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, एक बात और है। पक्षी देते हैं अंडे। मुर्गी के अंडे तो बहुत से लोग खाते भी हैं, पर कभी गाय और बकरी के अंडों के बारे में सुना है? नहीं ना? तो ये भी एक बड़ा फर्क है पशु और पक्षियों में। पक्षी पैदा होते हैं अंडों से, पर पशु अंडे नहीं देते, है ना? इसीलिए पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते और पशुओं के दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा जीव है जिसमें कुछ गुण तो पशुओं के हैं और कुछ पक्षियों के। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? हैं? अच्छा, ये पहेली सुनो। देखो कौन लटकता ऊपर सिर नीचे, पैर है ऊपर। देखो कौन लटकता ऊपर सिर नीचे, पैर है ऊपर। दिन में मुंह छुपाए रहता, रात आते ही फड़फड़ करता। दोस्तों, कौन है ये? ये ना पशु है ना पक्षी। इसके दांत भी होते हैं और ये उड़ता भी है। ये अंडे भी देता है और अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। बताओ कौन है? ये है चमगादड़। अच्छा दोस्तों, आज यहीं तक। कल तुम्हें कुछ विचित्र पशु पक्षियों की कहानी सुनाएंगे। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।